उत्तर प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है। ठंड के साथ ही कोहरे ने भी कोहरा मचाना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब आप अपनी गाड़ी को चलाते वक्त सावधान रहें ताकि आप होने से बच सकें। अब आपको सचेत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूपी में घने कोहरे से आज कई हादसे हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा हादसा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ। यहाँ एकाएक धुंध के चलते 5 वाहन आपस में भिड़ गए। दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही एक्सप्रेसवे की पेट्रोलिंग टीम और पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। इसके बाद राहत और बचाव के कार्य शुरू कर दिए गए हैं। वहीं इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव घटना स्थल पर पहुंचे। अखिलेश यादव ने यहां अपना काफिला रुकवा कर घटना की जानकारी ली, साथ ही योगी सरकार से घायलों के हर संभव प्रयास करने की बात कही। यहाँ लखनऊ एक्सप्रेस वे से निकल रहे हैं, एक हादसा हुआ है, किस तरीके से आप कहेंगे क्या? क्योंकि अभी जो जानकारी मिली है बस और ट्रक में जो एक्सीडेंट हुआ है, बस में जो लोग बैठे थे कुछ घायल हुए हैं, कुछ लोगों की जान गई है। सैफई ट्रॉमा सेंटर और अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में इलाज होने गया है। जो दिखाई दे रहा है कि कोहरे की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, किसी ने किसी की रफ्तार या ध्यान नहीं दिया होगा जिसके कारण हुआ है। जो भी इस समय चले, मौसम को देखते हुए अगर कोहरा है तो अपनी रफ्तार बचा करके आराम से चले, जिससे इस तरह के एक्सीडेंट या हादसे न हो। मुझे उम्मीद है सरकार इसकी पूरी मदद करेगी। मरने वालों की जो जान गई है उनकी मदद हो, घायलों का अच्छा इलाज हो और सहयोग मदद जो मिल सकती है वो करें। और आसपास के जो लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं मैं उनसे भी कहूंगा कि इस मौके पर मदद ही करें लोग। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।